हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में। और मैं हूं उमेश आचार्य, और आप इस चैनल पर पढ़ते हैं अक्षर ज्ञान, जो कि आपको बताता है कि हम कैसे हिंदी और संस्कृत को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं अलंकारों को। तो अलंकारों के विषय में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से कही है। लिखा है धंडी ने, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारा प्रशिक्षते। देख रहे हैं, ये संस्कृत में सूक्ति है, और संस्कृत में बताया गया है कि जो काव्य के सुंदर से सुंदर धर्म होते हैं, उसके पावदान होते हैं, उसके एक अंग होते हैं, उनको अलंकार कहा जाता है। तो कविता के बारे में पहले आपको बताया था कि कविता एक सुंदरी नायिका की तरह है, कि यदि उसमें अलंकार इत्यादि होते हैं तो वह सुंदर लगती है। उसी तरह से इसमें कहा गया कि जो सुंदर सुंदर तत्व तो होते हैं, उनको अलंकार कहा जाता है। और ये अलंकार सामान्य रूप से आभूषण होते हैं, किंतु यहाँ हम उन आभूषणों की बात करेंगे जो कि कविता के आभूषण होते हैं, कविता के गहने होते हैं। अलंकारों को गहना भी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार से होते हैं। कोई भी कविता दो प्रकार से सुशोभित हो सकती है, दो प्रकार से अच्छी लगती है। वो कविता कैसी होती है? एक तो उसमें शब्द होते हैं और दूसरा उनका अर्थ होता है। जब हम कविता का कोई बाहरी स्वरूप देखते रहते हैं, कोई बाहरी चमत्कार देखते हैं, तो उसमें शब्द दिखाई पड़ते हैं, और शब्दों का जो चमत्कार दिखाई पड़ता है, उसमें सुंदरता दिखाई पड़ती है, तो उनको हम कहते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार का तात्पर्य है कि शब्दों के माध्यम से चमत्कार दिखाई पड़ रहा हो तो शब्दालंकार। लेकिन जब शब्दों से समझ में ना आए, उसके अर्थ को हम समझते हैं, अर्थ हमें समझना पड़े, अर्थों के माध्यम से हमें चमत्कार की उत्पत्ति दिखाई देती है, चमत्कार दिखाई देता है, तो फिर उनको हम कहते हैं अर्थालंकार। तो कुछ भेद शब्दालंकारों के विद्वानों ने बताए हैं और कुछ अर्थालंकारों के। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे शब्दालंकार। आइए शब्दालंकार को देखते हैं। तो जब शब्दालंकार की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि शब्दों का अलंकार, तो शब्द आएंगे और शब्दों में अलंकार जब पैदा होगा तो शब्दों के भेद भी आपको आने चाहिए। तो शब्दालंकार में मुख्य रूप से आप देखते हैं कि सबसे पहले आता है अनुप्रास। तो शब्दालंकार के भेद में मुख्य रूप से तीन अलंकार हमको पढ़ने को मिलते हैं, तीन अलंकार बताए जाते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, और दूसरा है यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार को। तो अनुप्रास अलंकार के भेद वैसे तो छह भेद हैं, किंतु सामान्य रूप से हम अनुप्रास को हम जानते हैं जहाँ पर कोई ही अक्षर, कोई वर्ण बार बार आता है। केवल इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई अक्षर केवल बार बार दोहराया जाए और उसमें कुछ चमत्कार उत्पन्न करे। ऐसा नहीं कि कहीं अक्षर तो आ रहा है लेकिन कोई कविता में उसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, लेकिन आपको लगे ऐसा कि ये अक्षर आ रहा है तो थोड़ा सा कुछ इसके अंदर चमत्कार करने जैसी चीज कोई है। अब वो बार बार आवृत्ति होने पर ही उसमें पता लगने लगेगा कि हाँ अनुप्रास है या नहीं है। कभी कभी आप ध्यान देंगे कि शब्द कई बार आ रहा है, तो शब्द ही अगर बार बार आ रहा, अर्थ अलग हो रहा है, तब तो फिर हम अनुप्रास नहीं करेंगे। केवल अक्षरों की आवृत्ति आपको देखनी है, कैसे अक्षरों की आवृत्ति होती है। तो ध्यान देंगे, अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति। तो देखिए, वर्णों की आवृत्ति केवल, अगर आपको केवल याद रखना है वर्णों की आवृत्ति, केवल वर्णों की आवृत्ति अगर देख लेंगे तो भी आपको अनुप्रास का भेद पता लग जाएगा। अनुप्रास कहाँ कहाँ होता, वर्णों की आवृत्ति होती है। तो वर्णों की आवृत्ति में बार बार आना, यही सिद्ध होता है कि इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अब उदाहरण आप देखेंगे तो देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये। अब इसमें क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल,
लगातार ता 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 या र की आवृत्ति हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं। चार चंद्र, अब ये थोड़ा सा अक्षरों में जो वर्णों में चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। एक कविता में जब ऐसे ही अक्षर बार बार आ जाए आएंगे, रघुपति राघव राजा राम, ऐसे रघुपति राघव तो रा 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 ऐसी आवृत्ति होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। और जो अनुप्रास, तो इसमें आपको देखना है कि वर्ण ही बार बार आने चाहिए, वर्ण ही चमत्कार के रूप में आते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके बाद दूसरा अलंकार होता है दोस्तों, ये दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। अब यमक, यम कहते हैं जोड़े को, तो जो जोड़ा है यमक, अगर यमक नहीं, यमक यमजो, अब यमक यमक अगर है तो आपको जोड़ा चाहिए, कम से कम जोड़ा। तो जोड़ा किस चीज का होगा, अक्षरों का जोड़ा नहीं होगा, शब्दों का जोड़ा होगा। तो यमक अलंकार की जब हम बात करते हैं तो जहां पर कोई एक शब्द एक से ज्यादा बार आए, एक से ज्यादा बार का तात्पर्य है कि अनेक बार आएगा, एक बार से ज्यादा है तो अनेक बार आएगा, एक से अधिक बार आएगा, इसे दो बार आ सकता है, तीन बार आ सकता है, तीन से ज्यादा बार आ सकता है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यही है कि वो शब्द उनका अर्थ भी बदल रहा हो। अगर अर्थ नहीं बदलेगा, शब्द बार बार आ रहा अर्थ वही है, तब तो फिर वही अलंकार हो जाएगा अनुप्रास जो आप पहले पढ़ के आए हैं, क्योंकि उसमें चमत्कार तो हो रहा है, अक्षरों का चमत्कार होगा, शब्दों का चमत्कार फिर नहीं रह जाएगा, शब्द में अर्थ भी उनका बदल जाना चाहिए। तो अब ऐसे उदाहरणों को हम जब जानेंगे तो देखेंगे कैसे कैसे शब्दों में चमत्कार हो रहा है और अर्थ बदल रहा है। तो उदाहरण उदाहरण को देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप बहुत सामान्य से उदाहरण को भी देखेंगे तो पहचान जाएंगे। देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल, नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो इसमें कवि ने क्या कहा है कि काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें काली घटा और घमंड घटा दोनों जो शब्द आए हैं, घटा घटा शब्द, घटा एक अर्थ, एक घटा का अर्थ क्या है, बादल, एक घटा का अर्थ क्या है, घटना। तो बादलों का घमंड घट गया है शरद ऋतु के आने पर, तो ये बात कहना चाहते हैं। और अब आपने एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बहुराए जग, वह पाए बहुराए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कनक, एक का अर्थ कनक क्या क्या है, एक का कनक है सोना और एक है धतूरा। तो धतूरे को खाने से जितना आदमी पगला जाता है, उससे ज़्यादा अगर कनक पा जाए, सोना पा जाता है, तो फिर वो बौरा जाएगा, उसको उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो कहते नहीं भैया देखो बहुत पैसा पा गए और बौरा उठे, तो बौराने का तात्पर्य यहाँ पर है कि उस सोने के कारण से, उस कनक के कारण से, अब है तो दोनों कनक, लेकिन उसको पाने से ही केवल मिल जाता, उसको तो खाने से पकला जाता है, लेकिन उसको पाने से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कनक कनक दोनों का शब्दों का अर्थ अलग होने के कारण से यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार, तो यमक यमजो, अब आप देखेंगे यमक अलंकार में कम से कम दो शब्द आ रहे हैं। आप तीसरे उदाहरण को देखेंगे तो तीसरा उदाहरण बड़ा मजेदार उदाहरण है, हरि गए हरि को मिलन, हरि बैठे हरि के पास, हरि कूदे हरि में गिरे, हरि हो गए उदास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हरि 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 हरि, ये कई बार आता है। आप जानते हैं हरि अनेकार्थी शब्द है, हरि माने सांप भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने पानी भी होता है, हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने विष्णु भी होता है, इस तरह से बहुत सारे अर्थ होते हैं। किंतु इस उदाहरण में हरि गए हरि को मिलन, हरि बैठे हरि के पास, हरि कूदे हरि में गिरे, हरि हो गए उदास। सांप जो है मेढक से मिलने गया और मेढक जो था वो पानी के पास बैठा था, तो पानी के पास बैठा था, जैसे देखा कि हरि आ रहे हैं अर्थात सांप आ रहे हैं, सांप आ रहा है, तो तुरंत देख करके मेढक पानी में कूद जाता है, यानी हरि में कूद गए, हरि माने भी पानी, तो पानी का भी अर्थ हरि है, तो वो कूद गए, तो सांप देख करके कि भैया कि हमारा भोजन जो है
वो तो चला गया तो वो उदास हो गए। अब इसी बात को देखिए तो हरि का अर्थ जो है वो अन्य अर्थ घोषित कर रहा है, बता रहा है, एक अर्थ नहीं है, यानी शब्द वही है अर्थ अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं शब्द अनेक अर्थ अनेक, शब्द भी अनेक अर्थ अनेक। तो यहाँ जहाँ शब्द भी अनेक बार आए अर्थ भी उनके अलग अलग हों तो हम कह सकते हैं यमक अलंकार। तो आइए यमक अलंकार को के बाद हम ये जानते हैं कि क्या होता है, उसके बाद अगला शब्दालंकार कौन सा है तो जानेंगे। तो उसका भेद है शब्दालंकार का श्लेष अलंकार। अब देखिए श्लेष अलंकार की बात करते हैं तो श्लेष का तात्पर्य होता है, श्लेष अलंकार तो यमक अलंकार हमने जान लिया होगा, समझ में आया होगा आपको। और श्लेष अलंकार उसके बाद जो तीसरा शब्द अलंकार में प्रमुख रूप से आता है वो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष श्लिष्यते श्लेषा, जो चिपक जाता है। आप चिपक जाने का तात्पर्य है कि जब हम कोई एक शब्द ही होगा लेकिन उसमें अनेक अर्थ चिपके होंगे और बहुत सारे अर्थ अगर है उसके अंदर, शब्द एक होगा। अब आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि शब्द अनेक अर्थ अनेक, लेकिन यहाँ क्या है शब्द एक अर्थ अनेक, एक ही शब्द होगा और अर्थ उनके अलग अलग हो जाएंगे, उसको हम कह सकते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से आप उदाहरण देखते होंगे श्लेष अलंकार का। यदि यहाँ पर आप लिख सकते हैं शब्द एक अर्थ अनेक, एक ही शब्द है उसके अनेकों अर्थ निकला करते हैं। उदाहरण देखेंगे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। अब देखिए यहां पर जो लाइन आई है रहीमदास जी ने लिखी है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। अब पहली लाइन में ये इसमें ये श्लेष अलंकार आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अब आप अगली लाइन को देखेंगे तो कहते हैं लिखते हैं पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। ये दोहा है रहीमदास जी का, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि ये श्लेष अलंकार कैसे है। तो इसमें देखिए यहां पे लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। रहीमदास जी ने कहा कि पानी व्यक्ति को बनाए रखना चाहिए। अब ये पानी होता है, किंतु लेके कहा कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर तीन चीजें आई हैं, एक मोती आया है, एक मानुष आया और ये चून आया है। अब तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। पानी गए और ना उबरे, अब ये पानी के कितने अर्थ हो गए, ये पानी अलग अलग नहीं है शब्द, ये शब्द में इसका अलग है इसका अलग है, ऐसा नहीं, इसी पानी के तीन अर्थ है। क्यों? क्योंकि इस पानी का मोती के लिए दूसरा है और इस फिर और इसके लिए दूसरा है मनुष्य के लिए और इसके लिए दूसरा अर्थ है। यानी मोती मोती का पानी माने मोती की चमक, अब पानी का मतलब यहाँ मोती के अर्थ में चमक। अगर मोती से चमक उतर गई तो कहा जाता है कि पानी उतर गया। ऐसे ही मनुष्य के अर्थ में वो चमक नहीं रहेगी, मनुष्य के अर्थ में अगर पानी उसका चला गया पानी मर गया तो कहा गया उसकी इज्जत चली गई और उसके अंदर उसकी इज्जत आबरू जो है पानी चला गया, शान मर्यादा सब खत्म हो गई। तो मनुष्य के लिए वही पानी चमक ना होकर के उसका मान मर्यादा सम्मान हो जाता है। और तीसरी बात जो चूना है, तो चूना जो सामान्य रूप से खाया जाता है वो चूने में पानी अगर खत्म हो गया, अब देखो पानी चूने में पानी
पानी का ही अर्थ बता रहा है। अरे अर्थ एक अर्थ अनेक अर्थ निकल रहे हैं, शब्द कितने हैं, शब्द शब्द केवल एक है। ये पानी के तीन अर्थ ले लिए गए, पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने से न तो मोती की कीमत रह जाती है, न मनुष्य की भी कोई इज्जत रह जाती है, और न चूना भी प्रयोग में आ सकता है, यानी खराब हो जाएगा। इसलिए आज आपने ये देखा कि जो है कि ये जो अलंकार है उसमें शब्द अलंकार के माध्यम से कविता में कितना चमत्कार हो जाता है, और इसलिए शब्द अलंकारों को बहुत महत्व दिया गया है। सामान्य रूप से शब्द अलंकार को शब्द के माध्यम से हम जानते हैं, और बहुत सारे उदाहरण आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे, आप इन्हीं के आधार पर कर सकते हैं। रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून, और उदाहरण है चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि बेचारी चोर, उस अर्थ में है। और एक और रहीम दास जी ने दोहा कहा है कि गुणते लेत रहीम जन चलिल कूपते काय, गुण गुण माने, गुण माने रस्सी होता है, और गुण और कहा कूपोते कहीं होते हैं मन काहू को बाढ़, और कहीं कुएं से भी मन किसी का गहरा होता है, लेकिन गुण माने यहाँ एक रस्सी और गुण माने किसी के गुण। तो कहते हैं गुणों के माध्यम से जो है लोगों के मन की बात को समझ लेते हैं, समझ लेते हैं उनके गुण को, तो सलिल कूप से काट पानी कुएं से निकाल लेते हैं। इस तरह से ऐसे उदाहरणों के माध्यम से हम शब्द अलंकारों को समझ सकते हैं। और अब आज हम शब्द अलंकारों को बता करके अगले दिन हम अर्थालंकारों के लिए आएंगे। अगर शब्द अलंकारों में कहीं कोई आपको परेशानी है समझने में तो आप हमें जरूर कमेंट्स करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आपको जो जो और भी वीडियो आपको लगता है कि आपको ये मिलने चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिखें, और आगे अर्थालंकार को पुनः हम वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।